हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काजू कतली। ये काजू लिए हैं मैंने 250 ग्राम। तो ये टुकड़ा काजू लिया है और अच्छे से ये क्रंची होने चाहिए। ये काजू जो नरम पड़े हुए जो काजू होते हैं ना, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। ये अच्छे क्रंची वाले काजू का इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि जो पाउडर है ना उसकी अच्छी बन जाए। और ये मैंने 250 ग्राम काजू के लिए 175 ग्राम मैंने ये शक्कर ली है। एक कप में थोड़ी सी कम है ये शक्कर, तो ये 175 ग्राम मैंने ये शक्कर ली है। और पानी लिया है तो 125 ml मैंने पानी लिया है, तो ये आधा कप पानी है। पूरा 125 ml का ये कप है, तो 125 ml का ही आपको पानी का इस्तेमाल करना है। और 175 ग्राम आपको शक्कर लेनी है 250 ग्राम काजू के लिए। और थोड़ी सी इलायची का पाउडर लिया था। और अभी हम एक मिक्सी जार लेते हैं और उसमें थोड़े थोड़े काजू डाल के इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो पाउडर करते समय भी मिक्सी का बटन जो होता है वो बंद चालू करके ही आपको इसको पीसना है, ताकि पाउडर पाउडर जो है ना वो अच्छे से हो जाए, तो खुली खुली हो जाए। तो अगर आप बटन एक जैसे चालू करके इसको पीसने जाएंगे तो ये काजू जो है वो ऑयल छोड़ेगा और इसका गोला बन जाएगा। तो मैंने पाउडर को अभी छान के लिया है, ताकि इसमें जो अगर बचे हुए टुकड़े हो तो वो निकल जाए। तो इस पाउडर को हम पूरा छान लेते हैं। तो देखिए, मैंने काजू का पाउडर पूरा छान लिया है। तो इस तरह से आपको ये काजू का पाउडर चाहिए। तो अभी मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो कढ़ाई में अभी हम पानी डाल देते हैं। तो ये आधा कप जो है ना, 125 ml का ये आधा कप है, तो आपको पानी भी 125 ml ही लेना है। और ये जो शक्कर है, 175 ग्राम मैंने शक्कर ली है। तो अभी हम चाशनी बनाएंगे एक तार वाली। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उससे काजू कतली जो है ना वो कड़क हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो बस हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए। तो अभी इसे हम चेक कर लेते हैं, हमारी चाशनी तैयार है कि नहीं। हाथों से आप देख लीजिए, उंगलियों में देख के इसकी एक तार निकल रही है या नहीं। तो एक तार निकल जाए इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो ये अभी भी तैयार नहीं है, तो इसे थोड़ा और हमें करना होगा। तो ये रेसिपी जो है ना, वो हलवाई जिस तरीके से बनाते हैं और जिस नाप से बनाते हैं ना, तो वो बड़े नाप से बनाते हैं, तो मैंने आपको ये छोटे नाप से बना के दिखाया है। और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको ये बना के दिखाया है। तो बाहर की काजू कतली लाने से अच्छा आप ये घर में बना के देखिए, आपके काजू कतली बिल्कुल मिठाई वाले जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनती है, और उसी तरीके से लगती भी है, सॉफ्ट बनती है। तो चम्मच में भी आप इस तरह से देख सकते हैं, ये बूंद अगर गिरने में समय लेता हो या खींचता हो, ये बूंद गिरते समय, इसका मतलब हमारी चाशनी है वो तैयार हो चुकी है, एक तार वाली, या तो उंगलियों में आप देख सकते हैं। तो देखिए, अभी ये चाशनी जो है वो एक तार वाली बन चुकी है। तो अभी मैं ये काजू का पाउडर इसमें डाल देती हूँ, और गैस की फ्लेम अभी मैंने बंद कर दी है। काजू का पाउडर डालने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। और अभी हम इस काजू को ये शुगर सिरप में अच्छे से मिला लेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे पूरा शुगर सिरप में मिला लिया है। तो इसी प्रोसेस से आपकी काजू कतली जो है ना वो अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और गैस की फ्लेम अभी बंद है, अभी मैंने चालू नहीं किया है गैस। और अभी हमें देखिए, इस तरह से चम्मच से इसको अच्छे से मिला लीजिए। 1 मिनट के लिए तो आपको इस तरह से मिला के लेना होगा काजू को। तो इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए ये काजू कतली बनाई जाती है, और इसी से सॉफ्ट भी बनती है ये प्रोसेस से। तो अभी देखिए, मैंने 1 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है, और अभी मैंने गैस की फ्लेम जो है ना वो चालू कर दी है। और अभी हम कम आंच पे इसे 1 मिनट के लिए सेक लेंगे ये काजू, और उसके बाद हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। इससे तो ये काजू जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इसको सेकना भी नहीं है, क्योंकि
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम इसे सेकेंगे तो ये काजू कतली है ना वो कड़क हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने दो चुटकी अभी इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है, बस दो चुटकी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। बस इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए इलायची की, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। और 1 मिनट के बाद अभी देखिए इस तरह से चम्मच से चलाते हुए आपको काजू को सेकना है, इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, इसी तरह से आपको सेकना है। और 1 मिनट के बाद फिर गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। तो इसे बहुत ज़्यादा सेकने से भी काजू कतली कड़क हो जाती है, तो हमें सॉफ्ट वाली काजू कतली खाने में अच्छी लगती है। तो देखिए अभी मैंने 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से सेक लिया है और गैस की फ्लेम जो है ना अभी मैंने बंद कर दी है, तो इसे बहुत ज़्यादा भी हमें सेकना नहीं है। तो अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ और चम्मच से इसी तरह से चलाते हुए अभी इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ये जैसे ठंडा होता जाएगा उस तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो हलवाई जो है ना वो इसी तरीके से बनाते, काजू को चम्मच से चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इसी प्रोसेस से काजू कतली है ना अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो अभी देखिए ये पतला सा मिश्रण आपको दिख रहा है, इसके बाद ना ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा ना इसका गोला बनने लगेगा, जैसे आटा होता है उस तरीके से गोला बन जाएगा ये। तो अभी मैं ये कढ़ाई में इसे चम्मच से चलाते हुए इसे ठंडा कर रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए अभी इसे हम फैला के थोड़ा सा हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो बस इसे मैंने अभी रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया है, फ़ैन के नीचे नहीं रखा था। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो कितना ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। तो हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है क्योंकि काजू कतली बेलने के लिए हमें नहीं होगा अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो। तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका गोला बनने लगता है। तो अभी हम इसे आटा जैसे हम गूंदते हैं ना उस तरीके से अभी हम इसे गूंद लेंगे। तो ये जो गोला है ना बहुत ज़्यादा ये गर्म है, ये अभी भी ठंडा नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही आपको इसे गूंदना होगा। तो अभी मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ये गर्म भी लग रहा है, मेरे हाथ भी लाल हो चुके हैं। तो मैंने और 1-2 मिनट के लिए इसे मैंने अच्छे से गूंद लिया है, जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से मैंने इसे गूंद लिया है। जितना आप इसे गूंदेंगे और चम्मच से चलाते हुए इसे बनाएंगे ना तो ये आपकी काजू कतली बिल्कुल हलवाई की तरह बन जाएगी, जो हलवाई के यहाँ से हम जो काजू कतली लाते हैं ना सॉफ्ट वाली उसी तरीके से बनती है। तो ये कढ़ाई भी गर्म है, मैंने अलग से इसको निकाला नहीं है ताकि ये ठंडा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में ही रख के इसको मैंने गूंद लिया है। तो अच्छा सा अच्छा आटा जैसा हमारा आटे का गोला जैसे बनता है ना उसी तरीके से ये गोला बन जाएगा, और बेलते समय इसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो अभी देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है और ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी इसे हम इसका गोला बना के इसको बेल लेंगे। तो जितना आप गूंदेंगे उतनी आपकी काजू कतली अच्छी बनेगी। तो अभी देखिए मैंने एक बटर पेपर लिया है और उसके ऊपर मैंने ये काजू कतली का गोला रख दिया है और इसे हम बेल लेंगे। तो एक जैसा आप इसे बेल दीजिए ताकि हमारी काजू कतली एक जैसे आ जाए, वरना ये कहीं पे मोटी या कोई कहीं पे आई पतली बन जाती है। और बेलने के लिए भी आसानी हो जाती है, ये गोला अच्छे से हमने गूंद लिया है और चम्मच से चलाते हुए इसे पकाया है, तो ये बहुत ही आसानी से बेलने के लिए भी हो जाता है। इसमें साइड के किनारे देखिए इसमें क्रैक्स नहीं आए, इसका मतलब हमारी काजू कतली का जो मिश्रण है ना वो ठीक से बना है, अच्छा बना है। तो मैंने एक बटर पेपर का इस्तेमाल किया, या तो पॉलीथीन भी होगा तो भी चलेगा, उसके ऊपर भी आप इसे बेल सकते हैं। तो देखिए मैंने इतना मोटा इसे रख दिया है ताकि जैसे आपको पसंद हो मोटी काजू कतली या पतली सी उस तरीके से आप बेल दीजिए इसे।
तो अभी इसे थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है बेलने के बाद, और इसे अभी हम चादी का जो वर्क है वो हम लगा लेते हैं। तो ये आपको पसंद हो तो लगाइए, वरना नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इससे हमारी काजू कतली दिखने में भी अच्छी दिखेगी और बिल्कुल हम जो हलवाई के यहाँ से लाते हैं उसी तरीके से दिखती है। और चांदी का वर्क लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पेपर इस तरह से घुमा लीजिए ताकि ये चांदी का वर्क अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो इसे मैंने चांदी का वर्क लगाने के बाद ना इसे मैं थोड़ा ठंडा कर लिया था, और ठंडा होने के बाद फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले तो आपको इसे सीधे लाइन में आपको इसे काटना है। तो घर में जो हमारी स्केल होती है बच्चों की, उसका इस्तेमाल करके इसको एक से एक एक से आप काट लीजिए। और इसे ना मैंने पूरा ठंडा होने के बाद ही काटा है, गरम रहते ही नहीं काटा है। तो मैंने सीधी लाइन जो है वो अभी इसमें निकाल ली है, और इसे अभी हम थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे और हम इसे डायमंड शेप में इसे काट लेंगे। तो अभी इसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। तो देखिए अभी मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा रखा है, तिरछा हम रख के इसको अभी काट लेंगे ताकि हमारी जो काजू कतली की जो शेप है ना, डायमंड शेप, वो आ जाए। तो ये हलवाई की रेसिपी है, हलवाई जिस तरीके से बनाते हैं ना उसी तरीके से मैंने इसे बनाया है, और इसी नाप से मैंने बनाया है। बस हलवाई जो है वो बड़े नाप से बनाते हैं, मैंने आपको इसको छोटे नाप से बना के दिखाया है। बस आपको जो शक्कर और पानी का जो नाप मैंने आपको बताया है उसी नाप से आप लीजिए, और जो शुगर सिरप है एक तार वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। काजू को चम्मच से चलाते हुए आपको सेकना है। गैस की फ्लेम आपको काजू का पाउडर डालने के बाद आपको बंद कर देनी है और 1 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद फिर आपको गैस की फ्लेम चालू करने के बाद फिर से आपको 1 मिनट के लिए उस काजू को सेकना है। तो देखिए अभी मैंने इसे एक टुकड़ा में आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। तो अच्छी, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट काजू कतली बनती है। और देखिए अभी मैंने ये ठंडा होने के बाद इस काजू कतली को प्लेट में निकाल लिया है। तो 250 ग्राम काजू में हमने 450 ग्राम हमने काजू कतली बनाई है। तो इस दिवाली पे इस काजू कतली को बना के देखिए। बाहर की काजू कतली लाने से अच्छा आप घर में बनाइए, आपको पसंद आएगी। और इसी नाप से बनाइए, और जिस तरीके से मैंने आपको बना के दिखा है उसी तरीके से बनाइए। ये बिल्कुल मिठाई वालों के यहाँ जो मिलती है काजू कतली, उसी तरीके से ये लगती है, खाने में भी वही टेस्ट होता है और अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस दिवाली पे इस काजू कतली को आप बना के देखिए।